हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के जो वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो है। तो स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक पार्क में। तो ये नॉर्मल पार्क बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर है सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, ये एक न्यू पार्क खुला है जिसका नाम है वेज टू वंडर्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी सारे सेवन वंडर्स जो कि बने हैं स्क्रैप से और वेस्ट मटेरियल से। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूं लोकेशन पर और इस पार्क का नाम है वेस्ट टू वंडर्स। तो इसके अंदर जाने के लिए आपको लगेगी एंट्री टिकट। तो अगर आपकी एज है इन बिटवीन 12 to 65 ईयर्स तो आपकी एंट्री टिकट रहेगी 50 रुपीज़ की। और मंडे को ये पार्क क्लोज रहता है और जो इसकी ओपनिंग आवर हैं वो है 11 AM to 11 PM। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने ले ली है एंट्री टिकट और मैं पहुँच चुकी हूँ पार्क के अंदर। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ की स्पेशलिटी। मैं गई थी संडे को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। और ये पार्क बनाया गया है SDMC के द्वारा, मतलब साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। और स्टार्टिंग में यहाँ पर लगाया गया है ये खूबसूरत सा फाउंटेन। और यहाँ पर लिखा गया है सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फैमिली, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ जाने का। एनवायरनमेंट भी मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा और एंट्री भी बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हैं अभी जो पार्क है वो नीट एंड क्लीन है। और ये जो पार्क खुला है वो खुला है 21 फेब को और इसके अंदर यूज़ हुआ है 150 टन स्क्रैप। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट वंडर की तरफ। तो इसका नाम है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो इस बोर्ड के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कितना टाइम लगा और ओरिजिनल क्या है। एक बोर्ड लगाया गया है जिसके अंदर इसकी ओरिजिनल क्या है, इसकी खासियत वो लिखी गई है और बताया गया है ये इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है बनाने में, क्या इसकी फीट है, क्या इसकी हाइट है, मतलब एवरीथिंग आपको इस बोर्ड पर मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं लोग जो हैं जोरों शोरों से फ़ोटोग्राफी में लगे हैं। तो फोटोग्राफी यहाँ पर अलाउड है पर यहाँ पर बाहर से खाना जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो मैंने सोचा मैं भी एक फ़ोटो ले लेती हूँ इसके साथ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको चारों तरफ से। तो ये सब कुछ जो है, मतलब इस पिरामिड को बनाने में ऑटोमोबाइल का जो है वो यूज़ हुआ है। और अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट वंडर की तरफ जिसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा। तो ये एक झुकी हुई 7 मंजिल की मीनार है। तो इसकी सारी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी इस बोर्ड पर। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सेकेंड वंडर। तो ये भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही सफाई से बनाया गया है। तो सब लोग फोटोग्राफी में मतलब बहुत ही बिजी थे और सब लोग अपनी फैमिली के साथ आए थे और बच्चे भी आए थे। तो बच्चों को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इस पार्क की जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 7.5 करोड़ की। तो अभी मैं आ गई हूँ थर्ड वंडर की तरफ जिसका नाम है आईफल टावर। तो इस बोर्ड के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कितने दिन लगे इसको बनाने में, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है और जो ओरिजिनल इसकी हिस्ट्री है वो भी आपको मिल जाएगी इस बोर्ड के ऊपर। तो ये देखिए, ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा।
तो देखिए लोग कितने ज़्यादा बिजी हैं फोटोग्राफी में। इवन मुझे काफ़ी सीनियर सिटीजन भी दिखे यहाँ पर। तो अभी हम चल रहे हैं फोर्थ वंडर की ओर। तो ये है फोर्थ वंडर जिसका नाम है कोलेजम। तो इसकी सारी डिटेल्स अगेन आपको बोर्ड पे मिल जाएगी कि इसकी ओरिजिनल हिस्ट्री क्या है और ये जो बनाया गया है इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। आपको दिख ही रहा होगा कार पार्ट्स एंड गियर्स यूज़ हो रहे हुए हैं इसको बनाने के लिए। तो कार पार्ट्स एंड गियर्स से बना है ये पूरी जो स्ट्रक्चर है। ये भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफाई से बनाया गया है और इस पार्क के अंदर सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इवन बाहर से खाने पीने की कोई भी आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है लाने का, तो आप कुछ भी खाने पीने का इस पार्क के अंदर नहीं ला सकते हैं। तो ये मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा ये वाला स्ट्रक्चर भी। तो मैं हर जगह फोटोग्राफी में लगी थी कि हर एक स्ट्रक्चर के आगे एक फ़ोटो तो होनी ही चाहिए। और मैं आ गई हूँ और हाय कर रही हूँ सबको। और ये आ जाता है हमारा इंडिया का ताजमहल जो कि फिफ्थ वंडर है। तो इसके बारे में सब कुछ बताया गया है कि इसको बनाने में कितने दिन लगे और क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, साइकिल के टायर्स यूज़ किए गए हैं, सारी डिटेल्स बोर्ड पे है। तो ताजमहल की तरफ लाइट कुछ ज़्यादा ही आ रही थी तो बिल्कुल क्लियर ये नहीं आ रहा, तो कैमरे पे हाथ रखना पड़ा ताकि ये क्लियर नज़र आ सके। तो ये भी बहुत खूबसूरत था। और हैरानी की ये बात थी कि ताजमहल की तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इतनी मैंने किसी भी वंडर के आगे नहीं देखी जितना मैंने ताजमहल के आगे देखी है। तो देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो और यहाँ पर जो ट्रीज़ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन दी गई है, ये देखिए नकली मॉन्की है जो कि असली का लग रहा है। और इवन कुछ ट्रीज़ के ऊपर तो शेर तक बनाए गए हैं, तो बहुत ही ओरिजिनल लग रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये नकली है। तो ये एक देखने वाली जगह है, ये देखिए ये आ गया है शेर, लॉयन, टाइगर। यहाँ पे जगह जगह मुझे ये ट्रीज के ऊपर ये वाला डेकोर दिखा। तो अब हम पहुंच चुके हैं रियो रिडिमर की तरफ जो कि है सिक्स वंडर। तो इसकी भी सारी डिटेल्स अभी आपको दिख रही होगी इस बोर्ड पर कि क्या क्या आइटम्स यूज हुई हैं और कितने दिन लगे और इसकी ओरिजिनल हिस्ट्री क्या क्या है। ये देखिए ये भी मुझे बहुत ही बहुत सुंदर लगा, बहुत ही सफाई से बनाया गया है। और मैं हर जगह फ़ोटो लेने में थी कि हर एक वंडर के आगे एक फ़ोटो तो आनी ही चाहिए। ये देखिए बहुत सुंदर है ये। और जो रेलिंग जो अभी आप देख रहे हैं पार्क से ली गई है ये रेलिंग। तो आप देख सकते हैं हर एज के लोग आपको दिख रहे होंगे मेरी वीडियो के अंदर। इवन ऐसे भी मैंने देखे जो 70-80+ थे जो सीनियर सिटीजन, वो भी आपको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। देखिए कितना खूबसूरत है ये। तो ये देखिए जो मैं डेकोर की बात कर रही थी, ट्रीज पर बहुत ही अच्छा डेकोर दिखाया गया है इसके ऊपर। तो अब आ जाता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वंडर जो आ जाता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी इस बोर्ड पे दिया गया दिखाया गया है कि क्या क्या है इसकी हिस्ट्री और कहाँ पर है ये। तो आपको पता ही है यूएसए में है। और ये भी मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा।
तो एक तरह से दिल्ली को एक गिफ्ट ही मिला है, सारे वंडर्स एक ही पार्क में। तो यहाँ पर भी मैं एक फोटो ही ले रही थी कि यहाँ पर भी एक फोटो मैं क्लिक करवा लूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये सारा ऑटोमोबाइल का जो स्क्रैप होता है उसी से ये सारे वंडर्स बनाए गए हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप बोर्ड तक टच नहीं कर सकते क्योंकि आपको 1000 का फाइन देना होगा। तो टच जो है यहाँ पे अलाउ नहीं है, किसी भी चीज़ को आप टच नहीं कर सकते हैं। बाकी रात को भी ये पार्क खुला रहता है 11 PM तक। तो रात को क्या होता है, इन वंडर्स के अंदर लाइट्स जलती हैं तो देखने में और ही ब्यूटीफुल लगते होंगे ये वाले वंडर्स। तो यहाँ पर एक पानी की मशीन थी जहाँ पर एक एलसीडी स्क्रीन भी लगी हुई थी ऊपर ही, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पार्क के बारे में। और बैठने के लिए जगह जगह बेंच भी लगे हुए थे। तो अगर आप एमसीडी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपकी एंट्री फ्री रहेगी, और अगर आप किसी और स्कूल के लाइक प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं और अगर आपका ग्रुप 25 से ज़्यादा है, 25 लोगों से ज़्यादा है, तब आपकी जो एंट्री टिकट है वो 20 रुपीज़ हो जाएगी। बाकी इस पार्क के अंदर खाना पीना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, जगह जगह गार्ड्स खड़े हुए थे। और बाहर से खाने का आप कुछ नहीं ला सकते। और इवन इस वाले जो पार्क के अंदर टॉयलेट्स भी हैं तो आपको बाहर जाने की भी कोई टेंशन नहीं है, तो टॉयलेट्स भी इसके अंदर हैं। और अगर मैं नीरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो वो है निजामुद्दीन, और आप गेट नंबर 3 से एग्ज़िट कर यहाँ पर इजीली वॉकिंग डिस्टेंस पे पहुँच सकते हैं। बट मैं अपने कन्वेंस से गई थी, मैं मेट्रो से नहीं गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ क्योंकि मैंने देख लिया है पूरा पार्क और मुझे देखने में बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक जगह लगी ये। और मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे चिप्स बेचते हुए और ज्वेलरी बेचते हुए, बच्चों के टॉयज बेचते हुए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय।